सख्त सैनिक कुशवाहा महाराज समाज के लोगों, महान दल अगर कमजोर है, महान दल को अगर प्रत्याशी नहीं आया है, महान दल ने अगर किसी को प्रत्याशी नहीं उतार पाया है तो वोट देना है किसी को, बिना वोट तो देना पड़ेगा। ये कहने की इस बार रोक लो, अगली बार दे देना। अगर मैं पूरे प्रदेश को कहना चाहता हूं कि अगर अपने बच्चों का भला चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को भला चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों को गुलाम नहीं देखना चाहते, अशिक्षित नहीं देना चाहते, उनको गरीब नहीं देखना चाहते, उनकी तरक्की देखना चाहते, तो भाजपा और कांग्रेस को वोट मत देना। महान दल जहां नहीं ताकतवर है, अगर महान दल का गठबंधन नहीं होता, हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं कि गठबंधन हो, हम प्रयास कर रहे हैं गठबंधन हो, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता तो आप भाजपा कांग्रेस को वोट मत देना। सपा को वोट दे दो चलेगा, बसपा को वोट दे दो चलेगा, अगर यादव थोड़ी बहुत तबंगई भी करेंगे तो भी चलेगा, अगर आपके साथ थोड़ी मार पिटाई करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन भाजपा कांग्रेस को दे दोगे तो 10 साल 20 साल बाद आपके बच्चे गुलाम पैदा होंगे। आपसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो आपको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पढ़ने लिखने का अधिकार दिया वो सब छीन लेंगे अधिकार, सारा सब कुछ आपको शिक्षित कर देंगे। आज क्या इस देश में सब कुछ पैसा बढ़ सकता है, पीडीए खाना बढ़ सकता है, अनाज मिल सकता है, क्या समान शिक्षा नहीं हो सकती? क्या एक समान शिक्षा नहीं हो सकती? क्या सभी के बच्चे एक जैसे पढ़े? अब कंपटीशन कैसे आपका बेटा देगा? और आपको उल्लू बनाने वाले भी बैठे हैं, क्या कहते हैं हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो, हिंदी अपनी मातृभाषा, कंप्यूटर की भाषा है इंग्लिश, पूरी दुनिया में अंग्रेजी, आपका बच्चा कैसे तरक्की कर सकता है? आप बताओ जितनी बड़ी कंपनियां हैं उन्हें आरक्षण दिया क्या भाजपा कांग्रेस ने? नहीं दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज पिछड़े का बेटा नहीं पहुंचता, मौर्या शाह के सैनिक को छोड़ दो, किसकी सरकारें रही हैं केंद्र में, कौन बनाता है सुप्रीम कोर्ट का जज, किनकी सरकारें हैं? भाजपा और कांग्रेस की। तो आज कसम खा के जाओ, आज आप सब लोग कसम खा के जाओ, कितने लोग तैयार हैं कसम खाने की? अभी क्या कसम खिलाएंगे वो पहले बता दे, आज कसम खा के जाओ कि कभी भी भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं दोगे जब तक वो हिस्सेदारी न दे दे, जब तक वो गठबंधन न करे। भाजपा कांग्रेस को वोट मत देना, महान दल के प्रत्याशी नहीं है तो सपा बसपा को दे देना, किसी को दे दो चलेगा, हमें कोई अपराय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका थोड़ा नुकसान कर सकती है, आपको हिस्सेदारी नहीं दे सकती, लेकिन ये आपके बच्चों को गुलाम नहीं बनाएंगे। आपके बच्चे जब सपा और बसपा की सरकारों में नौकरी नहीं पाए, पिछड़ों के आरक्षण के नाम पर मिला, अखिलेश यादव जी सरकार में जितने लड़के BEd और BTC थे, जितने बच्चियां BEd और BTC थी, अखिलेश यादव जी सरकार में सब लोग टीचर हो। आप देख लो गांव गांव लिस्ट देख लो, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई 1 करोड़ नौकरी हर साल देने का वादा किया था, 1 नौकरी नहीं दिया, और जितने भी सरकारी संस्थान थे सबको प्राइवेट कर दिया। क्यों प्राइवेट कर रहे हैं? प्राइवेट क्यों करना चाहती भाजपा कांग्रेस सरकार? क्योंकि प्राइवेट में आरक्षण नहीं है, आपका बेटा नहीं पहुंच पाएगा, और आप हिंदी मातृभाषा ठेका आपने लिया। हम हिंदी विरोधी नहीं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा हितैषी इस दलित पिछड़े समाज का, अल्पसंख्यक समाज का कोई फायदा नहीं हो सकता। उन्होंने लिखा था कि अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो नहीं आएगा। आप प्लेन में जा रहे हो, वहां आपको सभी हिंदी बोलने वाला कोई मिलेगा नहीं, जो पानी देने वाला वो जो महिलाएं वो क्या कहती है एयर होस्टेस वो अंग्रेजी बोल रही, आप डर के मारे हिंदी बोलोगे नहीं, शर्म के मारे पानी भी ना मर जाओगे, या तुम्हारी तरह बेशरम रहो। हम तो 5 स्टार होटल में चले गए, हम पूछना हुआ हमें, हमारे अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, वैसे आप लोगों की अंग्रेजी वैसे माशाल्लाह हमारी भी अंग्रेजी, लेकिन हम तो सीधे पूछ लिए जाके, किसान वो यहां पटा रहे थे, क्या पता ही नहीं लग रहा किसी को, मिलने गए थे तो हमें गए, मैंने पूछा हमका तुम्हें हिंदी, हमका हमें तो अंग्रेजी में दिक्कत है, तुम्हें हिंदी में तो दिक्कत नहीं, तुम हिंदुस्तान के हो, कहा नहीं तो हमका हिंदी में बता दो ना, हम पूछ लिए। और जो ले आए चाय, हमने कहा भाई चाय तो दूध वाली लाना, वो अपनी ये दुनिया भर की जो नाम लिए वो सब हमने मत ले आना, दूध डाल के बढ़िया मीठी वाली चाय ले आना। तो हमारी तरह या तो बेशरम हो आदमी, हमारी तरह बेशरम कहते हैं लोग एयर चले जाते हैं 6 होटलों में, अब सब अंग्रेजी बोल रहे हैं तो डर के मारे कुछ बोलते ही नहीं, कुछ अपने अपना चीज नहीं मांग पाते, फ्री वाली चीज नहीं मांग पाते।
लोग सुनेंगे कि उनको अंग्रेजी नहीं आती तो हम लोग हंसेंगे। तो आप अपने बच्चों को हंसने वाली चीज मत कराओ। जितने प्राइवेट कंपनियां हैं सब में सारी अंग्रेजी भाषा है, वहां बोल चाल से लेके वहां। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।